गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर मोशन का टॉपिक होगा एक्सीलरेशन। हम लोग जानते हैं व्हाट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मीन्स यदि किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में जो चेंजिंग यदि होती है और वो भी समय के अनुसार यदि किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंजिंग होती है तो उसे एक्सीलरेशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई बाइक चलाना शुरू किए, स्टार्ट करते हैं हम जीरो से या कोई भी समथिंग 3-5 जो कुछ भी है, और 2 मिनट के बाद मेरा स्पीड हो जाता है 5 या 2 सेकंड के बाद, जो भी टाइम कुछ भी हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकता है, आवर भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। तो 2 मिनट में जो हमारी वेलोसिटी में चेंजिंग हुई 3 से हम 5 तक चले गए, तो ये जो हमारा होगा वो एक्सीलरेशन है। देखिए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन फॉर चेंज। यानी वेलोसिटी को चेंज होने में जितना टाइम लगता है वो टाइम टेकन होता है। चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी मींस जिस वेलोसिटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं रनिंग करना, मोशन में आते हैं, चलते हैं, और जिस स्पीड पर हमारी लास्ट होती है मींस जिस पर हम फाइनल पहुंचते हैं फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी जो है स्टार्ट करता है 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो ये उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी और वो 2 सेकंड में हो जाता है 5 मीटर पर सेकंड, तो ये इसका हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। ऐसे भी हम पहले भी बताए हैं कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं यू और फाइनल वेलोसिटी को भी। तो कितना इसमें चेंजिंग हुआ हम लोग कैसे पता करेंगे? तो फाइनल में से इनिशियल को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा चेंजिंग निकल जाता है। 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना चेंजिंग होगा? 2 मीटर पर सेकंड। यानी चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। जैसे मानते हैं सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज यू एंड इट चेंज टू ए फाइनल वेलोसिटी वी इन टाइम टी। यानी कोई बॉडी जो है यू स्पीड से चलना, यू वेलोसिटी से चलना शुरू करती है और टी टाइम के बाद उसका वेलोसिटी जो है वी हो जाता है। तो एक्सीलरेशन के फॉर्मूला पर हम लोग बैठाते हैं ए इज इक्वल टू एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं स्मॉल ए, चेंज इन वेलोसिटी के जगह पर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मींस फाइनल के जगह पर वी माइनस यू बाय टी। ये हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है। अब इसका एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कैसे होता है? तो देखिए यहाँ पर ये है चेंज इन वेलोसिटी, तो कुछ भी हो यहाँ पर हमारा चेंजिंग हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? 5 - 3 यानी 2 मीटर पर सेकेंड होगा। यानी कोई भी चेंजिंग होगा वो यूनिट में होगा ही, यानी जो उसका वेलोसिटी निकलेगा तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो या किलोमीटर पर आवर हो या मिनट हो, जो कुछ भी हो वो यूनिट रहेगा ही रहेगा, वेलोसिटी का ही यूनिट रहेगा। साथ में नीचे है टाइम, तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड। यहाँ पर भी एस है तो एम, और ये ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक छोटा एक छो और जगह मिलेगा तो 200 हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं ऐसा यूनिट भी एक्सीलरेशन का जो हमें प्राप्त होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है? बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मींस यदि कोई बॉडी मूव करता है और समय के अनुसार
मींस इक्वल समय में इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल चेंजिंग जो होती है उसके वेलोसिटी में, मींस समय जैसे जैसे बढ़ते जाता है और उसी के अनुसार उसके वेलोसिटी में भी चेंजिंग होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट मिनट में मैंने मेरा स्पीड जो है वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकेंड का हुआ, अगला में चेंजिंग 4 हो गया, अगला में भी फिर 2 ही हुआ, अगला में भी फिर 2 ही होता है। मीन्स जैसे जैसे हमारा समय बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारा जो चेंजिंग भी है वो इक्वल अमाउंट में होता है, तो उसे इक्वल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहा जाता है। इसका जो है ग्राफ बनेगा वेलोसिटी और टाइम, क्योंकि इसमें 2 यूनिट है वेलोसिटी और टाइम, तो टाइम नीचे होगा और वेलोसिटी को ऊपर की ओर डिनोट करेंगे। यदि उसका ग्राफ जो होगा स्ट्रेट होता है तो उसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ कहा जाता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। या फिर बनाते भी हैं तो हमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ जो है हमेशा हमेशा स्ट्रेट लाइन में प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक हम लोग